नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि जिन्ना को पता चल जाता है कि शिक्यू को फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी है। अब आगे शुरुआत निब्बे जलपरी से होती है, जो नहाते हुए येयोंग से बात करते हुए शिक्यूंग के कॉल आने का इंतजार कर रही होती है। याद है ना, शिक्यूंग फोन करके इसे डिनर करने की जगह बताने वाला है। जाते जाते शिक्यूंग हानी से बोलता है, क्या तुम्हारे पास टाइम है, कल रात मेरे साथ डिनर करना चाहोगी। अब तो निब्बे के दिल में गिटार के साथ पटाखे भी फूटने लगे। फाइनली इसके सपने की शुरुआत हो रही है। इसका परफेक्ट एप्पल इसे डेट के लिए पूछ रहा है। वो झट से डिनर के लिए हाँ बोल देती है। शिक्यूंग बोलता है, ठीक है, खाने की जगह डिसाइड करने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तभी शिक्यूंग का कॉल आता है और निब्बे खुश हो जाती है। कॉल पर परफेक्ट एप्पल उसे मिलने की जगह बताता है। शिक्यूंग से बात करने के बाद हानी येयोंग को थैंक्स करती है, कॉज उसी की वजह से ये सब हो पाया है। दूसरी तरफ जेएच फूड कंपनी की हमारी स्टाइलिश सीईओ होंग कॉल पर किसी से बात कर रही होती है और बहुत परेशान होती है। एक्चुअली इनके ही फूड कंपनी के किसी दूसरे ब्रांच में एक पॉपुलर डिश उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं बन रहा था और उसका स्वाद भी बहुत बकवास था। इसीलिए वो उस ब्रांच की डायरेक्टर को फोन करके डांट रही होती है और सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि हमारी स्टाइलिश सीईओ को खाने के मामले में कोई भी गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एनीवे, फोन काटने के बाद सीईओ को थोड़ी भूख लगती है और वो कार को रुकवा कर एक ताकोयाकी वाले ठेले के पास पहुंच जाती है। और वो ठेले वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे मान्यो है। वो एक प्लेट ताकोयाकी ऑर्डर करती है, पर मान्यो बोलते हैं, आज दुकान बंद है, आप किसी और दिन आना। सीईओ बोलती है, लेकिन आप तो अभी भी ताकोयाकी बना रहे हैं। मान्यो बोलते हैं, आज मैं ताकोयाकी में अलग अलग फ्लेवर्स डालकर एक दूसरी फ्लेवर की ताकोयाकी बनाने की कोशिश कर रहा था, पर उसी चक्कर में सभी ताकोयाकी के स्वाद खराब हो गए, इसीलिए आज मैं ये ताकोयाकी अपने कस्टमर्स को नहीं बेच सकता। मान्यो की ये बात सुनकर सीईओ बहुत इम्प्रेस होती है और बोलती है, मैं ये सारे ताकोयाकी खरीदूंगी, मैं भी फूड इंडस्ट्री में काम करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अगर आप ये सब फेंक दोगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। इस पर मान्यो बोलते हैं, कस्टमर्स का भरोसा तोड़ने से बेहतर इन्हें फेंकना ही है। ये सुनकर सीईओ समझ जाती है कि दूसरे ब्रांच के खराब क्वालिटी वाले खाने के साथ उन्हें क्या करना है, और वो मान्यो को बोलती है, ठीक है फिर मैं किसी और दिन आती हूँ। और दूसरे ब्रांच की डायरेक्टर को फिर से कॉल करके सारा खाना फेंक कर फिर से फ्रेश और अच्छी क्वालिटी में डिशेस को बनवाने के लिए बोलती है, ताकि अगली बार जब कस्टमर्स वहाँ आए तो उन्हें अच्छी क्वालिटी में बढ़िया खाना मिले। उधर सरप्लस हाउस में जियांग युनमिंग के सामने बहुत स्वैग झाड़ रहा होता है, क्योंकि इसका रिज्यूम बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह बन के आने वाला है। युनमिंग बोलता है, भाई आजकल ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का, कॉर्पोरेशंस पता लगा लेती है कि रिज्यूम खुद से बनाया गया है या फिर किसी प्रोफेशनल के द्वारा। जियांग बोलता है, ले बेटे तुझे जलन हो रही है ना, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिससे मैं अपना रिज्यूम बनवा रहा हूँ वो बहुत प्रो है। मैंने अपने रिज्यूम में बहुत पैसे लगाए हैं, कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि वो रिज्यूम किसी और के द्वारा बनवाई गई है। युनमिंग बोलता है, अच्छा ऐसा क्या, पर इंटरव्यू देने के लिए तो जाना ही होगा, और आप इतने फट्टू हो कि वहाँ तो रिजेक्ट हो ही जाओगे। गजब बेइज्जती है। उसके बाद अपना युनमिंग अपने पियानो टाइपिस्ट मोड में आ जाता है और अपना रिज्यूम बनाने लगता है। इधर पता चलता है कि इन तीनों के साथ तो स्कैम हो गया। जिन्हें इन्होंने अपना रिज्यूम बनाने के लिए दिया था उनकी वेबसाइट भी फेक है और उनका नंबर भी नहीं लग रहा। ये लोग वेबसाइट पर लिखे एड्रेस को नोट करते हैं। उसके बाद ये योंग सुनक्यू को खिला रही होती है। तभी युनमिंग भी वहाँ आता है और ये लोग बातें करने लगते हैं। उसी समय ये तीनों भी बाहर से आते हैं और पता चलता है कि वेबसाइट पर दी गई एड्रेस भी फेक थी और लोगों का फीडबैक और रिव्यू जो देखकर इन तीनों ने अपना पैसा लगाया था वो भी फेक था। इन तीनों को अच्छे से चूना लग चुका है और इनके सारे पैसे डूब चुके हैं। पैसा बर्बाद पे। हाँ भाई, कैसी लगी, आगे स्वाद नहीं। ये तीनों मुंह लटकाकर बैठ जाते हैं। युनमिंग उन्हें मोटिवेट करता है और बोलता है, चलो थोड़ी समाज सेवा करते हैं जिससे हमें थोड़ी पॉजिटिविटी आए। जियांग बोलता है, पर हम करेंगे क्या। युनमिंग बोलता है, चलो एक दिन के लिए एक डे शॉप खोलते हैं और उससे आए सारे पैसे डोनेट कर देंगे। हानी बोलती है, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर डे शॉप में हम बेचेंगे क्या। युनमिंग थोड़ा सोच कर बोलता है, ताकोयाकी
फिर क्या था, निब्बी पहुंच जाती है मान्यो के पास उनसे उनकी ताकोयाकी की दुकान मांगने के लिए, क्योंकि मान्यो दिन में अलग अलग और दूसरे दूसरे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और रात में ताकोयाकी की दुकान लगाते हैं। तो एक दिन के लिए इन्हें अपना दुकान निब्बी और टीम को देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सुबह में दुकान लगाएंगे, राइट? बट नहीं, मान्यो निब्बी को अपनी दुकान देने से मना कर देते हैं, कॉज अकॉर्डिंग टू हिम अपनी बंदी और अपनी गाड़ी कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, और मान्यो अपनी दुकान अपनी गाड़ी में ही लगाते हैं। बहुत मनाने के बाद भी जब मान्यो नहीं मानते तो निब्बी निकालती है अपना ब्रह्मास्त्र पपी आईज। पपी आईज नामक ब्रह्मास्त्र एक ऐसा ट्रिक है जो अक्सर हर बच्चा अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए यूज करता है, और ये ट्रिक काम भी कर जाता है, मान्यो मान जाते हैं। जिनमें बोलता है, सारी चीजें तो सेटल हो गई, पर अब हम अपने डे शॉप की मार्केटिंग कैसे करेंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जो करना है हमें एक ही दिन के अंदर करना होगा। बिग बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, ये यंग दीदी के लाइव वाले फूड शो के जरिए अगर हम अपनी मार्केटिंग करें तो। ये यंग बोलती है, हाँ ये सही रहेगा, हम शो का थीम रखेंगे एवेंजर्स का, जो गरीब और दुखियारी बच्चों को डे शॉप के डोनेशंस के जरिए बचाएंगे। जिनमें बोलता है, हाँ और साथ ही हम कुछ चैरिटी भी करते हैं। अब इस महारथी का प्लान सुनिए, ताकोयाकी बनाते बनाते हानी के अंकल यानी कि मान्यो की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनकी नाक से खून बहने लगती है और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उसी टाइम पर इन सभी की नजर मान्यो पर पड़ती है और वो लोग दौड़कर उनकी मदद करने के लिए आते हैं। मान्यो की खराब हालत देखते हुए उनकी मदद करने के लिए ये लोग ताकोयाकी खुद से बेचने का डिसाइड करते हैं और इसी तरह से ताकोयाकी बेचने में लग जाते हैं। उसी दौरान एक गरीब औरत वहां आती है जो बहुत भूखी होती है, वो लोग उसे फ्री में ही ताकोयाकी दे देते हैं। फिर पता चलता है कि ये तो JH फूड कंपनी की CEO है, वो इन सब के दया भाव से इतना ज्यादा इम्प्रेस होती है कि इनका सारा ताकोयाकी खरीद लेती है और इन सभी को JH कंपनी में हायर कर लेती है, और इसी तरह ये लोग एक ही रात में आम से खास बन जाते हैं। प्लान बनाया है, जिनमिंग का इमेजिनेशन तो हमारी निब्बी से भी ज्यादा फ्लातून है। जिनमिंग ने तो अपनी कहानी के अकॉर्डिंग अपने डे शॉप के लिए एक स्लोगन भी सोच लिया है, ताको गाय के लिए नई जिंदगी। मतलब ये सच में मान्यो की बीमारी की कहानी बनाने वाला है, इसे क्या लगता है CEO होंग सच में वहाँ आएंगी? Wait a minute. Are you? And guess what? ये सब चिंदी भी युनमिंग के इस प्लान को मान जाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये लोग युनमिंग के बताए स्लोगन के अकॉर्डिंग पोस्टर्स और पैम्पलेट्स बनाने लगते हैं। And I guess अब इन्होंने डोनेशंस का इरादा छोड़ करके बस चैरिटी करने का सोचा है, इसीलिए सिर्फ मान्यो का ही जो भी आप देख रहे हैं मान्यो के लिए बनाया जा रहा है, उनकी हेल्प के लिए। एनीवे, अपनी निब्बी का परफेक्ट एप्पल के साथ डिनर डेट का जो टाइम फिक्स हुआ था उसका समय हो जाता है, इसीलिए ये यंग उसे इशारा करके जाने को बोलती है। निब्बी अपने सैंडल्स उठाकर चुपके से वहाँ से खिसकने लगती है, पर तभी अपना पियानो टाइपिस्ट उसे पकड़ लेता है और बोलता है, किधर भागने की सोच रही हो, चलो बैठकर काम करो। निब्बी अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है, आज के बदले मैं कल इसका दुगना काम कर लूंगी, पर अभी मुझे जाना होगा, सॉरी, और भाग जाती है। जिनमें उसके पीछे भागने लगता है, पर ये यंग उसे रोक लेती है ये बोलते हुए कि अभी उसके पीछे भागने का समय नहीं है, बहुत काम है। दूसरी तरफ अपना परफेक्ट एप्पल शिक्यूंग भी डिनर के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका रिकॉर्डिंग वाला पेन तो उसके पास है ही नहीं, वो पेन को ढूंढने लगता है। तभी जिना वहाँ आती है जो उसे उसका पेन देने के लिए आई होती है, पर तभी एक जूनियर शेफ घबराते हुए वहाँ आती है और बोलती है कि 10 मिनट में ही एक कुकिंग क्लास शुरू होने वाली है, पर जो शेफ वो क्लास लेने वाले थे उनको हाथ में चोट लग गई है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। फिर शिक्यूंग ही अपना एप्रन पहनकर उस शेफ की जगह पर उस शो को होस्ट करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ निब्बी शिक्यूंग के बताए हुए जगह पर पहुंचकर उसका इंतजार कर रही होती है, और इधर अपना परफेक्ट एप्पल प्रॉब्लम में पड़ चुका है, क्योंकि प्रोग्राम के हिसाब से आज कुकिंग शो में 3 ही लोग आने वाले थे, पर यहाँ पर 3 के जगह पर 5 लोग आए होते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले साल हमारे शिक्यूंग के कुकिंग क्लासेस अटेंड करे थे और वो इन्हें बहुत पसंद आए थे, इसीलिए जैसे ही इन्हें पता चला कि आज की कुकिंग क्लास शिक्यूंग लेने वाला है तो ये लोग उसकी क्लास अटेंड करने के लिए पहुंच गए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग,
ये सभी लोग बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं, क्योंकि एज यू नो कि JH कंपनी कोरिया की नंबर वन फूड सेलिंग कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि काफी बड़े और पावरफुल लोगों से इनके ताल्लुकात होंगे ही। खैर, क्योंकि ये लेडीज इससे पिछले साल मिली थी, इसलिए इसे पूछने लगती है कि उसने इन्हें पहचाना या नहीं। अब अपने परफेक्ट एप्पल का दिमाग खराब, अपने फेस ब्लाइंडनेस की वजह से वो इन्हें देख ही नहीं पा रहा, तो पहचानेगा क्या? वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। पर तभी जिन आ टेबल के पीछे से छिप कर पेपर पर उन सभी के नाम लिख कर शिक्यूंग को दिखाने लगती है। एंड थैंक्स टू जिन आ शिक्यूंग की बीमारी का राज भी बाहर नहीं आता और इन लेडीज के सामने भी इसका इम्प्रेशन खराब नहीं होता। जिन आ की मदद से अपने परफेक्ट एप्पल की कुकिंग क्लास बहुत अच्छे से चल रही होती है और दूसरी तरफ अपनी निब्बी अभी भी उसका इंतजार कर रही होती है। वो शिक्यूंग को मैसेज करती है, पर बिजी होने की वजह से वो अपने फोन पर ध्यान नहीं देता। इंतजार करते करते अंधेरा हो जाता है, पर शिक्यूंग का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। निब्बे निराश होकर वहाँ से चली जाती है। उधर कुकिंग क्लास खत्म होने के बाद अकेले में शिक्यूंग गुस्से में जिन आ से पूछता है कि तुम मेरी इस बीमारी के बारे में कब से जानती हो। जिन आ बोलती है, कल आपने रेस्टोरेंट में अपना पेन छोड़ दिया था, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं सुना, वो तो बस बच गया था। वैसे फेस ब्लाइंडनेस कोई शर्मनाक बीमारी नहीं है, आपको इसे छिपाने की जरूरत नहीं। शिक्यूंग उसे डांटने लगता है ये बोलते हुए कि तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल दे रही हो। जिना बोलती है, मुझे तो बस बुरा लग रहा था इसीलिए। शिक्यूंग को लगता है कि जिना उस पर तरस खा रही है, इसीलिए वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? हां, जिना बोलती है, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूं। ये सुनकर शिक्यूंग चुप। जिना बोलती है, सर आप मेरे मेंटर और रोल मॉडल हो, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप दूसरों के सामने परेशानी में पड़े। फिर अपने आंसू पोंछकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं सुना था, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। फिर पेन रख कर चली जाती है। उसके बाद शिक्यूंग के फोन में हानि का कॉल आता है, पर शिक्यूंग बहुत परेशान होता है और कॉल रिसीव नहीं करता। इधर हानि घर लौटती है तो युनमिंग बोलता है, ए पगली, तो खिसकी भी है क्या? हम सब दिन भर बैठ कर कल की तैयारी कर रहे थे और तुम अभी आ रही हो, तुम्हें हमने अपने ग्रुप से निकाल दिया है। निब्बी वहीं बैठकर रोने लगती है। युनमिंग भी उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, तुम रो रही हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हानि उसे ढकेल कर बोलती है, जाओ यहाँ से। फिर खड़ी होकर फोन में सिग्नल ढूंढने लगती है, ये बोलते हुए कि यहाँ सिग्नल ही नहीं है। निब्बे बोलती है, शिक्यूंग ने जरूर कॉल किया होगा, पर यहाँ सिग्नल ही नहीं है, वो जरूर काम में बिजी होगा इसीलिए नहीं आ पाया। जिनमिंग बोलता है, तुम उसकी वजह से रो रही हो? ये सुनकर निब्बे और भी ज्यादा रोने लगती है। जिनमिंग उसे प्यार से समझाता है कि इन दिनों जॉब के बिना प्यार नहीं मिलता, इसीलिए इधर उधर की चीजों पर ध्यान देना बंद करो और जॉब पर ध्यान दो, समझी? निब्बे बोलती है, ठीक है। दूसरे दिन इनका सस्ता एवेंजर्स डे शॉप शुरू। सभी लोग एवेंजर्स कॉस्ट्यूम में लाइव आते हैं और रोड शो शुरू कर देते हैं। तभी शिक्यूंग का कॉल आता है, पर इस बार अपनी निब्बे बिजी होती है और कॉल रिसीव नहीं कर पाती। फिर शिक्यूंग उसे मैसेज करके सॉरी बोलता है और साथ ही ये भी लिखता है कि वो उसे बाद में कॉल करेगा। उसके बाद शाम को जिना पार्क में बैठी होती है। उसने शिक्यूंग को बहुत पहले मैसेज करके सॉरी कहा था, पर शिक्यूंग ने अभी तक उसका टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं था। तभी उसे येयोंग की टैरोट कार्ड वाली बात याद आती है। फिर वो अपने टैरोट कार्ड्स निकालती है और बोलती है कि तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारे और उस शेफ के तकदीर में क्या लिखा है? वेल, उस समय येयोंग ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार जिना के हाथ लगने वाला है, जिसकी मदद से जिना को वो हर एक चीज मिल सकती है जो वो चाहती है, पर साथ ही वो जिना को चोट भी पहुंचा सकती है। यानी कि वो हथियार जिना के लिए दो धारी तलवार साबित होगी, समझ रहे हो? उसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है, तब भी शिक्यूंग को ही किए गए मैसेज को देख रही होती है जो उसने अभी तक सीन नहीं किया है। तभी फोन को स्क्रॉल करते करते उसकी नजर अपनी और युनमिंग की फोटोज पर पड़ती है और वो युनमिंग को कुछ टेक्स्ट करती है। उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुलता है जिसके अंदर शिक्यूंग होता है। Now the situation is very awkward. जिना लिफ्ट के अंदर तो आ जाती है, पर दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे होते। तभी शिक्यूंग की दादी का कॉल आता है जो उसे उस लड़की के बारे में पूछ रही होती है जिसने शिक्यूंग का फोन और शिक्यूंग दोनों को बचाया था, ये बोलते हुए कि वो बच्ची बहुत ही अच्छी है तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इन दादी और माँ का ना बस यही काम है, बच्चे बड़े नहीं हुए कि शादी शादी। Yes, exactly. जिना का फ्लोर आता है और वो शिक्यूंग को ग्रीट करके चली जाती है। दूसरी तरफ ये लोग अभी भी ताकोयाकी बेचने में लगे। जियोंग ताकोयाकी बना रहा है और बाकी लोग ग्राहकों को सर्व कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हमारी स्टाइलिश लेडी सीईओ हॉन्ग की एंट्री होती है। ओ तेरी, ये तो सच में यहाँ आ गई। हमारे पियानो टाइपिस्ट के भविष्यवाणी तो सही निकली यार, वो भी बिना टैरोट कार्ड के।
इस सीरीज में सब लोग ज्योतिष हैं क्या? नहीं। हमारी स्टाइलिश लेडी, हमारे पियानो टाइपिस्ट जो सस्ता कैप्टन अमेरिका बना हुआ है, उससे पूछती है कि इस दुकान का मालिक कहाँ है। जिनमिंग बोलता है वो बीमार है, इसलिए हम उनकी जगह पर काम कर रहे हैं। इतनी अमीर और स्टाइलिश औरत को देखकर हमारा सस्ता स्पाइडरमैन यानी कि बिग को कुछ शक होता है और वो इंटरनेट पर JH फूड कंपनी की CEO के बारे में चेक करता है। एंड नाउ ही नोस कि यिनमिंग बाबा की भविष्यवाणी तो सच निकली, पर यिनमिंग को तो ये बात पता नहीं होती, इसीलिए वो हमारी स्टाइलिश लेडी को औरों की तरह ही लाइन में खड़ी होने को बोलता है। एंड गेस व्हाट, ये लाइन में खड़ी होने के लिए चली भी जाती है। वाह, बड़ी डाउन टू अर्थ है यार। एनीवे, बिग यिनमिंग को कोपचे में ले जाकर अपनी स्टाइलिश CEO के बारे में बताता है। एंड दे ऑल बी लाइक, क्या सस्ते कैप्टन अमेरिका की सस्ती भविष्यवाणी सच निकली? पर तभी आता है स्यापा, मतलब जियोंग के स्कूल मेट सुंजय के साथ उसी दुकान पर ताकोयाकी खाने के लिए आ रहे होते हैं। हमारा सस्ता आयरन मैन यानी कि जियोंग की नज़र जैसे ही उन पर पड़ती है, उसकी फटके चार। वो ताकोयाकी बनाना छोड़कर अपना आर्मर हेलमेट पहनकर छिपने लगता है। जिनमिंग उसके पास आकर बोलता है, ये क्या नौटंकी कर रहे हो, JH की CEO सच में यहाँ आई है। जियोंग बोलता है, क्यों झूठ बोले जा रहे हो, और जल्दीबाजी में धोखे से उसे ढकेल देता है। फिर क्या था, दोनों में लात घुसा शुरू। ये सब देखकर हमारी स्टाइलिश लेडी भी लाइक, ये क्या तमाशा लगा रखा है। तभी वहाँ पर मान्य पहुँच जाते हैं। अब हमारी निब्बी की हालत खराब, वो दौड़ कर उनके पास जाती है। तभी हमारी स्टाइलिश लेडी मान्य से पूछती है, तुम ठीक भी हो गए? मान्य बोलते हैं, ठीक हो गए मतलब, मुझे कुछ हुआ भी था। हनी पर से उनका मुंह बंद कर देती है और बोलती है, आप बीमार हो। पर CEO समझ जाती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मान्य निब्बी से बोलते हैं, राजकुमारी मैं बीमार था। निब्बी गुस्सा कर बोलती है, तेरी तो, चलिए मेरे साथ। इधर इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मान्य की गाड़ी आगे जाकर ठुक जाती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सुंजय और बाकी स्कूल मेट्स भी इन्हें देख लेते हैं और उन्हें जियोंग की सच्चाई पता चल जाती है। उसके बाद घर में जियोंग अकेला बैठकर पी रहा होता है। तभी यिनमिंग उसके पास आकर बोलता है, अकेले अकेले पी रहे हो? अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ उससे जियोंग बहुत ही ज्यादा उदास होता है, इसीलिए यिनमिंग जियोंग के पास बैठकर उसे दिलासा देने लगता है। जियोंग रोते रोते यिनमिंग को अपने दिल का हाल बताता है, अपने सपने और अपने ख्वाहिशों के बारे में बताता है। यिनमिंग शांति से उसकी सारी बातें सुनता है और फिर उसके आंसू पोंछने लगता है। तभी हानी, बिग, येयोंग और सुनक्यू भी बाहर आते हैं और उसे चीयर अप करने लगते हैं। फिर बिग, येयोंग और सुनक्यू उसे अंदर लेकर जाते हैं और हानी फिर से फोन में सिग्नल ढूंढने लगती है। यिनमिंग उसे चिढ़ाने लगता है। हानी चिढ़ जाती है और उस पर भड़कने लगती है। उसे चिढ़ता देख यिनमिंग हंसने लगता है। फिर हानी सिग्नल ढूंढते हुए अंदर चली जाती है और यिनमिंग की नज़र जिन्हा के मैसेज पर पड़ती है। जिन्हा ने अपने मैसेज में यिनमिंग को कॉल करने को बोला था। ये देखकर वो खुश हो जाता है। इधर शिक्यूंग भी किसी को कॉल करता है और उधर हानी का भी फोन बजता है। हानी झट से फोन उठाकर बोलती है, हेलो। उधर शिक्यूंग भी हेलो बोलता है और दूसरी तरफ जिन्हा भी अपना फोन रिसीव करके हेलो करती है। अब किसने किसको कॉल किया ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है किसने किसको कॉल किया होगा? एनी गेसेस? वेल, हमारे कमेंट सेक्शन के द्वार खुले हुए हैं, तो वहाँ पर आकर अपनी अपनी ऐश्वर्या माइनस राय जरूर दें, क्योंकि हम आपका जवाब जानने के लिए उत्सुक हैं। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।